बड़ी खबर, दिल्ली से सटे नोएडा में एक लड़की से चलती कार में गैंगरेप किया गया। लड़की को उसके दोस्त ने गाजियाबाद से किडनैप किया था। दिल्ली के पास एक बार फिर हुई दरिंदगी। एक 26 साल की लड़की के साथ चलती गाड़ी में हुआ गैंगरेप। लड़की को सिगरेट से जलाया, उसके साथ मारपीट की, कभी बेल्ट से पीटा तो कभी डंडे से मारा, फिर जबरदस्ती शराब पिलाकर लड़की के दोस्त ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी इज्जत को तार तार किया। मामला गाजियाबाद के वसुंधरा का है। ये लड़की किसी काम से बाजार गई थी, तभी उसका दोस्त अखिल अपने 3 दोस्तों के साथ एक वैन ले आया। वैन में बिठाकर लड़की को नोएडा लाया गया। गाड़ी में 4 लोग थे। 2 लोगों ने गैंगरेप किया, बाद में हाथ पैर बांध कर लड़की को बेहोशी की हालत में नोएडा में सेक्टर 62 के एक पार्क के पास फेंक दिया गया। गई थी मार्केट सोमवार बाजार, तो वहाँ पे सर निकल रही थी, जब तो अखिल तो उसका एक फ्रेंड था योगेश पंडित, और 2 अननोन थे, उनको मैंने कभी पहले नहीं देखा। पीछे से बैल लेके आए, वाइट कलर की थी, 07 से नंबर शुरू था, तो उनको पीछे से आके ना खिड़की को अपना वो गेट खोल के और ना वैसे मेरा यू कॉलर पकड़ के अंदर को खींच लिया था काफी हाथ पकड़ के। इसके बाद सतीश भाटी नाम के एक शख्स ने लड़की की मदद की, उसके हाथ पैर खोले और पुलिस को फोन करके बुलाया। लड़की, मैं सीधा आ रहा था पार्टी शॉपी हॉस्पिटल से, लड़की की आवाज़ सुनी, अंकल जी बचाओ, अंकल जी बचाओ। मैं रुका, मैंने लड़की को देखा, इसके हाथ खोले, पैर खोले, तो शरीर के अंदर से एक क्वार्टर निकाला। लड़की के मुताबिक वो आरोपी अखिल को पहले से जानती है। करीब 1.5 साल तक वो अखिल के साथ लिव इन रिलेशन में भी रह चुकी है। लड़की का आरोप है कि अखिल पहले भी एक केस में आरोपी है, उस पर एक महिला का अश्लील MMS बनाने का आरोप है और पीड़ित लड़की उस केस की गवाह है। लड़की के मुताबिक उसने इसी बात का बदला लेने के लिए उसके साथ ये घिनौनी करतूत की। बेल्ट मारी सर मेरे, और एक स्टिक थी पतली सी, उससे भी मारा था, कह रहे इसकी कहानी खत्म कर दो, रोज रोज की कलेसी बन गई है ये। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अखिल को गिरफ्तार कर लिया है और अब बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज़।